रांची मानेगांव स्थित तालाब में छठ पूजा का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्र की महिलाओं ने तालाब में आकर छठ पूजन का विधि विधान से पूजा की, साथ ही डूबते हुए सूर्य को श्रद्धालुओं द्वारा अर्घ देकर सुख समृद्धि की कामना की। वहीं इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु महिलाओं ने 4 दिन तक चलने वाले छठ महापर्व की शुरुआत नहाए खाए के साथ शुरू की। वहीं कोरोना संकट को मद्देनजर रखते हुए तालाब के पास पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आया। वहीं पुलिस द्वारा पूजा अर्चना करने आने वाले श्रद्धालुओं से सोशल डिस्टेंसिंग मास्क लगाने की अपील की। वहीं छठ महापर्व का तालाब में आयोजन करने वाले चंद्र प्रकाश दुबे ने कहा कि छठ महापर्व में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने आ रहे हैं, साथ ही कोरोना को देखते हुए समस्त श्रद्धालु कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन कर रहे हैं। पूजन करने वाले जो भी व्यक्ति हैं सबको हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन बंदन। और मैं देख रहा हूं कि इस कोरोना काल में भी लोगों के मन में छठी मैया के प्रति जो उत्साह है, पूजन की जो भावना है वो इतनी प्रबल है कि लोग इस कोरोना काल में भी छठी मैया के पूजा के लिए उपस्थित हुए हैं और कोरोना का भी वो डिस्टेंस मेंटेन करके सभी कार्यक्रम कर रहे हैं। हार्दिक शुभकामनाएं। मानेगांव तालाब पर उपस्थित सभी धर्मावलंबियों का हम सभी स्वागत करते हैं और जितनी श्रद्धा और शिद्दत के साथ लोग छठ घाट पर निकले हैं, कोरोना काल के बावजूद भी लोगों में पूजा करने के लिए इतना उत्साह है। घरों से निकल के लोग तालाब पर इकट्ठे हुए हैं, लेकिन कोरोना का नियमों का पालन भी कर रहे हैं लोग और हम सभी सब लोगों का स्वागत करते हैं और सभी शहरवासियों को धन्यवाद देते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों को भी धन्यवाद देते हैं कि जिनका सहयोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगातार मिलता रहा है। पोस्टर न्यूज़ के लिए जबलपुर से रोहित नायक की रिपोर्ट।